गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चेंज के लिए त्यामुळे अंकिता हेलो हेलो मैम। हाँ जी, आवाज और स्क्रीन हो गई है, दिखाई दे रही है स्क्रीन बेटा आपको? यस मैम। कहाँ तक आए थे, कुछ याद आ रहा है? याद करते जाइए कहाँ तक आए थे हम लोग, किसे देख रहे थे, वो तो याद आ रहा होगा। निशिगंधा नहीं जुड़े क्या? अंकिता, वैशाली? यस मैम। हाँ, कहाँ तक आए थे? चलिए बाबा, जब तक नहीं बताओगे तब तक आगे बढ़ने से मतलब नहीं है। किसे देख रहे थे, ये तो याद आ रहा है नहीं, कौन सी कहानी को देख रहे थे हम लोग? नौकरी पेशा। वेरी गुड, आपको नौकरी पेशा कहानी याद आ रही है, क्या है उस कहानी में? क्या है? कोई है जो बता पाएगा इस कहानी के बारे में? क्या हो गया आज, एकदम मासूम मायूस हो गए सब बच्चे मेरे, क्या हो गया? लड़ाई कर ली क्या, झगड़ा कर लिया क्या किसी से? भाई के साथ? क्योंकि अक्सर भाई लोग ही हमेशा झगड़ा करते हैं। क्या हुआ मैम? उसमें बाबूराव दलाल थे। हाँ जी, एक चपरासी था। हाँ बोलो, चपरासी था। देखिए दोस्तों, हम लोग आपके सामने रखते हैं वो सभी चीजें जो लगभग खत्म हो चुकी है ना। एक गांव में, गांव के कस्बे में रहने वाला वो इंसान किस प्रकार से शहर की ओट लेता है, और जब वो शहर में चला जाता है तो जब वो दफ्तरी कार्य करता है या जो भी काम करता है, सर्वसाधारण तौर पर संडे, संडे इज अ मैजिक डे है ना, मतलब हर किसी को अपना एक जो इतवार का दिन होता है, संडे का दिन होता है, सबको अच्छा लगता है कि नहीं हम अपने पर्सनल काम करेंगे। लेकिन एक बाबूजी से मिलने के लिए एक चपरासी आता है, और चपरासी यह कहता है कि आपको अभी भी साहब ने बुलाया, और तुरंत कहलवा देता है कि
नहीं मुझे नहीं आना है, आप कह दीजिए अपने साहब को, इत्तला कर दे कि बाबू नहीं है घर पर। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि यदि हम नहीं गए वहां पर तो शायद हमारी नौकरी चली जाए, और जिस कारण वो कहते हैं कि आप उनको यह मत कहिएगा, बल्कि आप उनको ये समझा दीजिएगा कि साहब को इत्तला कर दूंगा, बाबूजी नहीं मिले, घर में खबर कर दी है। बस ऐसी बातें हो जाती है, और इस बात से सब समझ जाएगा ऐसा उनको लगता है, और चपरासी की साइकिल का हैंडल पकड़ते हैं और उनको सड़क तक छोड़ आते हैं। अब शायद आपके दिल और दिमाग में यह कहानी फिर से एक बार रंग भराएगी। घर में जैसे उनकी एंट्री होती है तो कोट के ऊपर वाली दाहिनी जेब से गांधी डायरी निकाली और खोलकर कहा, शायद साहब ने हुक्म दिया हो और उनकी यहां से उतर गया हो। रविवार 6 तारीख वाला पन्ना खोला, उस पर कार्यक्रम नोट था। देखिए, आपको इसके पहले भी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि हम सभी लोगों को हमारी एक पर्सनल डायरी लिखनी चाहिए। पर्सनल डायरी में वो सब लिखना चाहिए जो हमारे साथ घटनाएं घटित हुई है, और भले ही वह डायरी अपने पास रखी है, अपनी रखी है और अपने लिए रखी है, तो उस डायरी में उन्होंने हम लोगों को क्या करना है, हर चीज का नोट कर लेना है। तो ऐसे ही आज की संडे को मैं क्या करना है। हाँ, कल के संडे में कितने लोग जुड़े थे, मजा आया आपको? मैम। यस मैम। बेटा, केवल अब देखना नहीं है, अब केवल पाठक बनना नहीं है, बल्कि आपको खुद वहां पर एंटर होना है। जो भी चीजें आप लोग कर सकते हो, आपकी लेखनी चल सकती है, आपकी वाणी चल सकती है, या आपका कार्य कुछ बुनने में कर सकते हो, तो या रंगोली निकाल रहे हो घर पर, मेहंदी निकाल रहे हो, तो बस उसके फोटोग्राफ निकालिए और उसे स्क्रीन शेयर के जरिए आप उसे शेयर करते जाइए कि मैम हमें कुछ दिखाना है। और ये एक्टिविटी हम पूरे साल भर करेंगे, और जो एक्टिव पर्सन होता है उस एक्टिव पर्सन को 14 सितंबर के, नेक्स्ट 14 सितंबर में हम आपको एक एक्टिविटी के दौरान जो विनर होता है उस विनर को, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड विनर को हम बहुत सुंदर सा एक गिफ्ट भी देंगे, ऐसा हमारा प्रयोजन है। चलते हैं, तो उस एक्टिविटी में आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कार्य किया, इसके लिए तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है। बहुत अच्छे से आप सभी लोगों ने सहायता की, ऐसी सहायता की उम्मीद है आपको अंतिम दौर तक, कि आप लोग बहुत अच्छे से एक्टिव रहकर उस एक्टिविटी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को बहुत डायनेमिक बनाने में कामयाब होगा यह मिशन जो हम लोग चला रहे हैं। तो हम नया कुछ सीखेंगे, आपसे सीखेंगे, ये एक व्रत धारण कर लिया है कि नया कुछ पाएंगे, नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ हासिल करेंगे, अपनी मंजिलों को पाएंगे, डरेंगे नहीं किसी से, सबको डटकर मुकाबला करेंगे। जब तक हमारी ये वाणी आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हम लोग यकीन नहीं होगा, लेकिन यह आप सभी लोगों को करना होगा। रविवार 6 तारीख वाला पन्ना खोला, उस पर कार्यक्रम नोट था। दोस्तों, चलते फिर से एक बार हम अपनी कहानी पर नजर डालते हैं। कि जैसे उन्होंने वो कहानी का पन्ना खोला, क्या था उस कार्यक्रम के नोट में? आज सफाई करना है, मंदिर जाना है, राशन लाना है, संभव हो तो शाम को साहब के घर जाना है, तिवारी कन्या पाठशाला के मैनेजर साहब से मुलाकात करना है, और आज जल्दी उठकर घर में सो जाना है। ये सब हमारा हो गया है, लेकिन आप सभी लोगों को ये कहानी याद ना आ रही थी, इसलिए फिर से एक बार हमने इसे लेने का प्रयास किया। अब उन्होंने अपनी जेब से मोटी पेंसिल निकाली, डायरी के उसी पन्ने पर नोट किया, सुबह साहब से मिलने गए और उसे उसी दाहिनी जेब में उन्होंने रख लिया। मतलब ये सारे जो काम है वो अभी तक भी वो निपटे नहीं है, क्योंकि अब तो हमें साहब से मिलने के लिए जाना है, अब चलते हैं। पत्नी ने उन्हें इस तरह ख्याल में डूबा और डायरी पर नोट करते देखा तो कुड़के भुनभुनाए। कुसुमा के ब्याह में तुम्हारे सोचने के लिए अलग कोठरी का इंतजाम करा दूंगी, कौन आया था? मत देखिए ना, ये तो अक्सर घरों में होता है, अक्सर फैमिली में होता है कि जब पत्नी कुछ काम करती है तो पत्नी को रोकथाम की जाती है कि नहीं तुम क्या कर रहे हो, संडे के दिन भी आपका होता है। लेकिन कई ऐसी वेल सेटल फैमिली होती है कि जो घर के लोगों को मोटिवेट करता है।
है ना, कि नहीं करो तुम आगे बढ़ो हम आपके साथ है। और जब इस प्रकार का होता है तो बच्चे भी उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगते कि नहीं हमें भी मामा कुछ करना है। और बच्चे कितना एक्टिवली कार्य करते हैं कि जैसे कल राष्ट्रगान का बिल्कुल माइंड में नहीं था, लेकिन हमारी गुड़िया कहती थी कि नहीं मामा हम उसमें राष्ट्रगान का भी गान करवाते हैं। और ये जो एक्टिविटी है, यह एक्टिविटी केवल हम लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप लोगों ने यह एक्टिविटी करनी चाहिए। तो नेक्स्ट संडे का मानस यह होगा कि आप लोगों में से कोई व्यक्ति स्वागत गीत करेगा और लास्ट वाला व्यक्ति राष्ट्रगान करेगा। आप अपने जगह पर सबको ऑर्डर दे दो कि सब खड़े हो जाए, स्वागत आना, सरस्वती वंदना। प्लीज किसी का बैकग्राउंड साउंड चल रहा है सारे गमा पर, प्लीज उसे बंद कर दीजिएगा। आप लगा नहीं सारे काय सारे गमा को बैकग्राउंड चालू करना, माइक बंद कर दो बंद। ओके देखिएगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपना काम तय कर लिया। उनका काम क्या था कि नहीं हमें अपना सफाई करना है, साइकिल को दुरुस्त करना है, आराम करना है, और साथ ही में यहाँ से वहाँ जो काम करने की उन्होंने जो लिस्ट बनाई हुई थी, अब वो काम तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने अब साहब को बुलवा लिया। और साथ ही में उन्होंने जब लिखा तो पत्नी उस जगह पे आई और भुनभुनाई कि जब हमारे कुसुमा की शादी होगी तो उस शादी में आपको मैं अलग से कोठरी का इंतजाम करा दूंगी। क्यों? क्योंकि तो तुम तुम्हारे पर्सनल कामों के बीच में ध्यान ही नहीं दे पाते हो हमारी तरफ। जब कौन आया था आप बुलाने के लिए? चपरासी था, साहब ने बुलाया। राधेलाल बोले तो जाओ ना, साहब की गुलामी से फुर्सत मिले तो घर को देखना, तुम्हें खुद इसमें मजा आता है। औरत है, अब देखिएगा कि जो खास तौर पर विवाहित महिलाएं होती हैं, उनका रोब अपने पतियों पर कैसे जमाती हैं। और खास तौर पर वो महिलाएं जो ग्रामीण आंचल की होती है, हमने इसके पूर्व भी आपको बता दिया कि ग्रामीण आंचल की औरतों से पंगा पाना बड़ी टेढ़ी होता है। उनकी बातचीत, उनका बोलने का तरीका, राम मतलब बचाए उन सब से, कभी नौबत ना आए हमें तो इस प्रकार। अब अपने पति को क्या सुनाती है? तुरंत कहलवा दिया उसने, साहब ने बुलाया है। राधेलाल ने जैसे कहा तो उसकी वाणी कितनी कटु है, और उसकी वाणी मतलब जैसे हम दिल्ली शहर में का वातावरण देख चुके जिनावर कहानी का, तो जिनावर कहानी की नायिका कौन है? जिनावर कहानी की नायिका याद आ रही है आपको? कौन है? उम्र जुबेदा। जुबेदा किस प्रकार से कहती है ना, जुबेदा का परफॉर्मेंस कितना गंदा होता है, क्या करती है वो, किस प्रकार से अपने पति के साथ पेश आती है, किसका कटु वक्तव्य होता है उसका उस घोड़ी के प्रति। बस देखिएगा यहाँ पर भी वो पत्नी अपने पति को किस प्रकार की खरी कोठी सुना देती है। साहब ने बुलाया है, उसकी मजबूरी है, क्या कर सकता है वो इंसान, मना भी नहीं कर सकता और टाल भी नहीं सकता, और जाने की इच्छा न होने के बावजूद भी उसे जाना पड़ता है। क्या कहती है वो देखिएगा, जाओ ना साहब की गुलामी से फुर्सत मिले तो घर को देखना, तुम्हें खुद इसमें मजा आता है, जाके दफ्तर में। अब देखिए ये तो उसकी मजबूरी थी, वो क्या कर सकता था, वो चला गया दफ्तर में, बैठ गया, सब काम धंधे से परी, मतलब जितने काम धंधे थे उन काम धंधे से परी हो गया। उस लाडले ने इम्तिहान का बहाना बना रखा है मेरी वला से, चाहे कुछ हो या न हो। अब उनका जो बेटा है, उस बेटे ने क्या कर दिया, इम्तिहान का बहाना बना लिया, मतलब एग्जाम का बहाना बना लिया। देखिए इस वाक्य से हम सभी लोगों को बेटा एक याद रखना है कि जब भी इस प्रकार का माहौल घर में क्रिएट होता है तो परिवार सबसे पहले होता है। सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली को बचाने की है, फैमिली को सुरक्षित रूप से कर तैयार करने की होती है, और उसके पश्चात सारे कार्य। ओके सबके दिलों को। हाँ जी, किसी को कोई सवाल है? बीच में आप लोगों की आवाज कट गई, कोई कुछ कहना चाहता है? आगे बढ़े आपकी आज्ञा हो तो। यस मैम। यस मैम।
देखिए किस प्रकार से हम लोग जब इम्तिहान देते हैं, कई फैमिलीज में हम लोग देखते हैं कि बहुत पैसे लुटा देते हैं और उड़ाते भी हैं। मतलब ये क्लास करना है, वो क्लास करना है, और आजकल के क्लासेस की फीस बहुत ज्यादा है, ध्यान में रखिएगा। एक एक लाख रुपए की फीस अदा करते हैं बच्चे। लड़कियां ऐसा काम नहीं करती, लड़कियां हमेशा जीतती है। ये काम अक्सर लड़के काम किया करते हैं कि किसी न किसी जगह पर फंसा देंगे, बहाना बना लेंगे एग्जाम का, पढ़ाई का, और लगे रहेंगे चैट बॉक्स पर, लगे रहेंगे फेसबुक पर, लगे रहेंगे। तो जिस प्रकार से चावल को कोई नारी साफ करती है, सफाई करती है, उसमें से जो भी कीड़े हैं या जो उसमें हम कहे कि जो गंदगी है उसकी सफाई किया करते हैं, बस उस चावल की तरह वो अपने मोबाइल को खेलते रहते हैं। जिस प्रकार वो नारी अपने कामों में बिजी होती है ना, चावल बुनती है, तो वैसे ही वो कार्य करती रहती है, हम लोग काम करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई को बड़ी लगन के साथ प्रस्तुत करना है, और साथ ही में हमें अपने फैमिली मेंबर्स के दिल को भी ध्यान में रखना है, उनकी जज्बातों को भी, और अपने कर्म को भी ध्यान में रखना है। और जिस प्रकार उस बच्चे ने इम्तिहान का बहाना बना लिया और उनके मम्मी और पापा दोनों भी उसके इस कार्य से खफा हो गए, नाराज हो गए, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे बच्चों से भी उनके माता पिता नाराज हो जाए। बेटा, नाराजी होकर कोई भी हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इस वाक्य से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य को बहुत बेखूबी से आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। यस मैम। मैंने तो चपरासी से साफ कहलवा दिया कि मैं नहीं आ सकता, कौन मुस्तकिल नौकरी है, भले छूट जाए, दूसरे देख लूंगा, राधेलाल ने कहा। और जैसे उन्हें सचमुच महसूस हुआ, इस वक्त चपरासी के साफ इनकार कर देना यह भी कोई बात हुई है? आखिर कोई अपना घर कब देखे है? एक तो दिन मिलता है, दूसरा जूता साफ करने में मशगूल हो गया। सफाई के बाद उन्हें पैरों में डाल कोट पतलून पहने पत्नी से बोले, जरा देखाऊं। असल बात यह है कि साहब का मुझ पर जितना इत्मीनान है उतना बड़े बाबू पर भी नहीं। मेरे टाइप से बहुत खुश हैं, कहते थे इतने जिले घुमाया हूँ पर तुम जैसा होशियार टाइप बाबू नहीं मिला, बड़ा अपनापन मानते हैं, हमेशा घर के आदमी की तरह तुम कहकर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग कटाक्ष डालते हैं, दूसरे डालते हैं, तो इस वाक्य से साफ साफ जाहिर होता है कि वह अभी अपने काम के प्रति पूरा ईमानदार है, क्योंकि उसकी ईमानदारी झलकती है, उसकी ईमानदारी उनके कार्य से झलकती है जो उनके बड़े बाबू हैं। तो उनके बड़े बाबू से भी शायद वो साहब जो है वो खुशहाली नहीं प्राप्त करते हैं, मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है हर जगह पर काम करने का, जहाँ पर भी हम जाते हैं एक ऐसा होना चाहिए और होता भी है। जो अपने आप में होशियार होता है वो दूसरे की होशियारी को जानता है, परखता है, जांचता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, और उन बच्चों को या अपने कारागिरी को आगे बढ़ाने का प्रयास, भरसक प्रयास करता है। ऐसा ही तो हुआ कि जब वह बड़े बाबू पर भी इतना भरोसा नहीं कर पाते, छोटों पर इतना भरोसा करते, जिसका कारण भी यह है कि हम अपनी ड्यूटी को बड़ी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कारण वो कहते हैं कि वो सारे लोग हमें प्यार करते हैं, अपनापन मानते हैं। बहुत ऊंचा स्वाभिमान जैसे अंधा होता है, वैसे ही पति की प्रशंसा से किसी भी पत्नी का स्वाभिमान ऊंचा उठकर उसे अंधा कर देता है। कुछ ऐसा ही इस वक्त हुआ और राधेलाल सड़क पर साइकिल लाए, उसकी कील पर एक पैर रखकर लंगड़ी मुर्गी की तरह दम 12 फुटके और दफ्तर चले गए। आप सभी को पता होगा कि साइकिल को कैसे चलाया जाता है ना। जो बच्चे साइकिल को चलाना जानते हैं वो बच्चे गाड़ी को भी, टू व्हीलर को भी जानते हैं। तो सारी चीजें हम लड़कियों को आनी चाहिए, ड्राइविंग करना आना चाहिए, मोटरसाइकिलिंग करना आना चाहिए, और जो बच्चे इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते उनको मोटिवेट करना भी बहुत आवश्यक है कि हम सभी लोगों को उस कार्य में सहभागिता का दर्शाना अत्यंत आवश्यक है। और सुबह का यह गुलाबी ठंडी का मौसम है, जींस पहनो बहुत अच्छे से, मास्क लगाओ और निकलो अपने काम पर। लेकिन नहीं, सोना इतना पसंद होता है कि रात के 12 बजे तक हम लोग अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, किताबों में बिजी रहते हैं, और फिर अर्ली मॉर्निंग में आप लोगों को जब जगाया जाता है तो हम लोग जग नहीं पाते। तो बेटा, दिस इज नॉट फेयर। आप लोगों को जैसे कल हमने संडे एक्टिविटी को आयोजित किया,
तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत अच्छे से प्रदर्शित भी किया। आप में से वो बच्ची थी रुचिरा थी शायद, रुचिरा बारी थी, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से माइक्रोस के जो बताए सुंदर तरीके से, मतलब इतना एक्टिवली हम कहें कि बहुत सुंदर था उन्होंने जो भी किया था। तो ऐसा आयोजन आप लोगों में से कोई भी कर सकता है, पूरे सप्ताह भर आप लोगों को समय मिलता है और एक ही दिन मिलता है, एक घंटे में आपको अपने आप को प्रदर्शित करना है। 5 मिनट आपके लिए होते हैं बेटा और हमारे लिए भी होते हैं, ध्यान में रखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जिसमें हम सभी को हिस्सा लेना अनिवार्य होगा। तो एक पैर पर रखकर लंगड़ी मुर्गी के तरह दम मारे, फुदके और अपने दफ्तर चले गए। शाम को ही घर पर आए, ऐसा लगा ना एक आध घंटे का काम होगा, काम होने के बाद हम तुरंत घर पर आ जाएंगे, लेकिन नहीं, शाम तक वह अपने घर पर वापस आए। मुंह सूखा था, जिस चबूतरे का सहारा लेकर साइकिल से उतरते थे उसने ठीक कोने पर गोबर रखा था। पैर रखते रखते बिदक गए और गिरती दीवार की तरह मैं साइकिल सड़क पर पसरते पसरते जरा बच गए। मतलब देखिएगा कि जैसे ही वो जहां पर साइकिल लगाते चबूतरे का सहारा लेकर साइकिल को खड़ा कर देते, स्टैंड नहीं होगा उसे, इसलिए उन्होंने चबूतरे का सहारा लेकर उतरते थे और उसी कोने पर उसने उसकी पत्नी ने गोबर रखा था। अब देखिए क्या हालत, पैंट का मोरा क्लिप से बंधा था इसलिए बचत भी हो गई, नहीं तो मुंह के बल गिरते, और ऐसे समय में वो गिरने ही वाला था। सुबह से गया हुआ था और अब निकले घर पर आए और घर पर साइकिल रखने का जब उन्होंने प्रयास किया तो इस प्रकार का वहां पर गोबर रखा था जिस कारण वो उनके पैर थे वो बिदक गए और गिरते गिरते सवर गए। पेन का मोरा क्लिप से बंधा था इसलिए बचत भी हो, नहीं तो मुंह के बल गिरते हैं। साइकिल भीतर रखी ही थी कि देखा लाला राम भरोसे बैठक में बैठे हैं। लाला राम भरोसे अपनी परचुनी की दुकान छोड़ छाड़ कर बाबू बनने की नियत से एक फौजदारी के मुख्तार साहब के मुंशी हो गए थे। तहसील के तख्तों पर बस्ता रखकर बैठते हैं, मुख्तार साहब के मुवक्किलों का हिसाब किताब और मिसले वगैरह सब उन्हीं के पास रखती थी। और यह दिल में सरकारी नौकरी से गैर सरकारी नौकरी को बेहतर समझते थे, पर सरकारी नौकरी की बढ़ाई इसलिए करते थे कि देखा देखी उनको यकीन हो गया था कि यह कस्बे में जिसे बुरा समझो उसे अच्छा कहो। घुसते ही लाला बोले, काहे राधे इतवार को भी दफ्तर गए थे? अब निश्चित तौर पर यह सवाल होना उनके लिए मुमकिन ही था, जाहिर सा था कि संडे के दिन तो सभी को छुट्टी रहती है, लेकिन संडे के दिन भी तुम दफ्तर गए थे, इतवार को भी दफ्तर गए थे? हमारा तो ख्याल है कि सरकारी नौकरी में हजारों आराम है, इससे बढ़कर राज्य से नौकरी दूसरी कोई नहीं, पर तुम तो जिस दफ्तर में पहुंचे मानो सब कारोबार तुम्हारे ऊपर आ गया। काहे को जान दिए डाल रहे हो, कितने दिन को जगह मिली है? देखिए ऐसे भी उचकाने वाले लोग होते हैं कि क्यों ये कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको, मत करो ये काम। तो लेकिन देखिए अब उनको किस प्रकार से वो समझाते हैं। दद्दा अगले हफ्ते एक एवजी है, स्टेनो बाबू अगले शुक्रवार तक आ जाएंगे, बस फिर तो कहीं और काम ढूंढना है, बाबू राधेलाल ने जवाब दिया। मतलब ये काम छोड़कर हम दूसरे काम ज्वाइन होने ही वाले हैं, तब काहे को चिपटे हो इस तरह, कौन तुम्हारी मुश्किली हो रही है जो दिन रात लगे हो? अरे अपने काम से काम, छुट्टी के दिन काम के दिन काम। अब देखिए वो क्या कहता है कि बस अपने काम से काम करना है और छुट्टी के दिन आराम ही आराम करना है, लेकिन जिसके खून में एक हम कहे कि एक आगे बढ़ने की दौड़ होती है वो कभी चुप भी नहीं साधता। साहब ने बुलाया, साहब का बुलावा आया और उन्हें जाना पड़ा, तो बस ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा भले ही ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए तो हमें अपने ऊपर डिपेंड होकर हमें अपना खुद का काम खुद करना आना चाहिए कि नहीं, हमें सटीकता से सरलता से सजीव होकर या निष्पक्ष होकर हमें अपने कार्य को निभाना आना चाहिए। दफ्तर ये भी बढ़िया है दद्दा, वो तो आज साहब का प्राइवेट काम था थोड़ा सा, नहीं तो बड़े आराम का दफ्तर है। देखिए जहां पर भी हम लोग नौकरी कर रहे हैं, जाके रोजी रोटी खा रहे हैं, जाकर नमक खा रहे हैं, वही उसी जगह पे नाइंसाफी करना या उनके खिलाफ कुछ कहना ये तो बात जस्ती नहीं है। और इसी कारण वो तुरंत कहलवा भी देता है कि दादा ये तो प्राइवेट काम था साहब का, थोड़ा सा काम था, ये तो बड़े आराम का दफ्तर है हमारा, हमें कोई किसी से कोई लेन देन नहीं पड़ता। अरे तुम तो हमेशा ऐसे ही कहते हो,
आज तक कम से कम 20 जगह रह आए हो, किसी दफ्तर की बुराई नहीं सुनी हमने तुम्हारे मुंह से। अब ये जो राधे लाल है तो ये राधे लाल क्या कहता है कि अब तक तुमने 10-20 जगह पर काम करके आए, लेकिन कभी भी तुमने किसी दूसरों की बुराई की, दफ्तर की बुराई की, ऐसा हमने तुम्हारे मुंह से नहीं सुना। और इस वाक्य से हम सभी को एक आइडिया लेनी है कि हमें जिस जगह पर भी हम लोग चले जाते, बेटा अभी तो आप बहुत ही छोटे हो, सबसे छोटा परिवार का सबसे छोटा घटक यदि कोई होगा तो आप सभी लोग हो। और आपको पता भी होगा कि सबसे छोटे वर्ग से बहुत प्यार किया जाता है, लाडले होते हैं सभी छोटे लोग। तो हम सभी छोटे कितने भी गलतियां करते हैं तो आपको नज़रअंदाज इस परिवार में किया जाएगा, आपके परिवार में किया जाएगा। लेकिन जब हम घर के बाहर चले जाते हैं ना, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उस जगह पर, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है भूल से भी, तो वहाँ पर शायद ही हमें कोई माफ़ी न दे पाए। लेकिन एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन जब इस प्रकार का कार्य हम निरंतर रूप से करते हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर पर चले जाते हैं, तो किसी दूसरे की या पहले की हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। इस वाक्य से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि हमें किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए और न ही यह बुराई हमें किसी की सुननी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ओके, आगे बढ़े। यस मैम। और सचमुच बात ऐसी ही थी, बाबू राधेलाल क्लर्क टाइप बाबू लाइब्रेरियन और न जाने क्या क्या रह चुके थे, यानी कोई महकमा ऐसा न था जिसमें उन्होंने कुछ दिन न गुजारे हो। चुंगी से लेकर जजी कलेक्टरी तक गए थे और स्वामी जी के भंडारे के हिसाब किताब रखने से लेकर शहर के पुस्तकालय के लाइब्रेरियन तक रह चुके थे। सरकारी गैर सरकारी सभी महकमों के लिए बाबू राधेलाल स्टैंडिंग कार्यकर्ता थे। सब चीज महकमे को उनकी जरूरत पड़ती बुलवा लेता, खाली होते तो चले जाते, नहीं तो इंतजाम करा देते। पहुंच भी उनकी इतनी थी कि नौकरी चाहने वाले ताजे नौजवानों के सामने उन्हें ही लिया जाता था। और बात भी ठीक थी, क्योंकि किसी दफ्तर में लीव वैकेंसी हुई तो नया आदमी रखकर कोई क्या करे। फिर बाबू राधेलाल की 21 बरस की साख थी, मतलब देखिएगा कि जब एक्सपीरियंस मनुष्य का होता है ना, तो उस एक्सपीरियंस के जरिए जितना ज्यादा अनुभव उस व्यक्ति को होता है, चाहे वह अनुभव पढ़ने का हो, चाहे वह अनुभव पढ़ाने का हो, चाहे वह अनुभव किसी दफ्तरी कार्यकाज का हो, चाहे वह एक्सपीरियंस डॉक्टरी का हो, जितना वह एक्सपीरियंस अपने आप में लेता जाएगा उतना ही उसका नॉलेज अपडेट होता जाएगा, क्योंकि हर समय में उसे आने वाली हर समस्या को सुलझा कैसे जाए, इसकी उलझन है तो इस उलझन को हम कैसे सुलझाएंगे, इसका अनुभव उसके साथ में आता है। और जिस कारण वह अपने आप में अपने परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात करते हुए उस सिचुएशन से पूरी तरीके से सटीकता प्राप्त हो जाती है। ऐसा ही हुआ कि 21 बरस तक उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए। शहर भर के ऐसे ठिकाने जहां जहां नौकरी मिल सकती थी सबकी खबर उनके पास रहती, कौन से बाबू कब कितने दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं, कौन छुट्टी बढ़ाएगा या उनके आने पर फिर कौन जा रहा है, ये सारा कार्य उसे पता होता था। क्यों पता था? क्योंकि उन्हें इस सभी कार्यों में निकटता थी, उस कार्य में उन्हें इंटरेस्ट था, क्योंकि वह कार्य करते थे। कोई नई जगह होती तो वह अपने को उसके काबिल न पाते, क्योंकि उसमें शुरू में सर्टिफिकेट वगैरह दिखाने पड़ते हैं, डॉक्टरी जरूर होते हैं और उनके मुताबिक लाखों झंझट होते हैं जो उनके वश में नहीं थे। इसलिए हर दफ्तर को वह प्यारे थे, उन्हें दफ्तर प्यारा था। किसी महकमे की बुराई आज तक उनके मुंह से नहीं सुनाई पड़ी है। पता नहीं कब किस महकमे की जरूरत पड़ जाए। तो बाबू राधेलाल यक्षा जोश खरोश से नौकरी को सिर ओढ़ लेते थे। देखिएगा कि यहाँ इस वाक्य के माध्यम से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, न तो परिवार के साथ हम किसी व्यक्ति की बुराई करें। हमने अभी अभी कहा इसके पूर्व की क्या आपके भाई ने आपके साथ झगड़ा कर लिया, झगड़ा किया होगा निश्चित तौर पर। भाई झगड़ालू होते हैं, भाई नहीं झगड़ालू, हम लोग बहने झगड़ालू होते हैं, क्योंकि जिद पर हम लोग अड़े रहते हैं। तो ऐसा यदि होता है तो हमें माफ कर देना है, और साथ ही में माफ करते जाते हुए भी हम सभी को याद क्या रखना है कि हम अपने उत्तरदायित्व में खरे उतरेंगे। हम ऐसे कहानियों को पढ़ रहे हैं जिन कहानियों में केवल प्यार ही प्यार है,
और उस प्यार के सहारे ही हम अपने कार्य को आगे निभा पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। आगे बढ़े ना, देखिए टेन मिनट्स का हमें रिमाइंड आ गया है, 10 मिनट्स का फासला है, लेकिन आप सभी लोगों को पेज नंबर और इसकी कथा वस्तु को याद कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो जाए बेटा कि हर लेक्चर के दौरान हम आपको बताते चले जाएं कि कहाँ तक आए थे, चलो याद नहीं आ रहा है, फिर से एक बार। तो ये कहानी बड़ी लंबी है, आप लोग देखोगे ना तो ये 46 नंबर का पेज चल रहा है, और आगे चले जाएंगे तो कितना जाने कितने पेजेस तक हम लोगों को झेलना पड़ेगा इस कहानी को। तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू, आप लोग बहुत अच्छे से उस कहानी को लिख लीजिए कि हम लोग मैडम इस पेज पर आए थे, आपको याद रखना होगा। ओके, तो देखिए कोई नई जगह होती तो वो अपने आप को उसके काबिल पाते, शुरू में सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ता, डॉक्टरी जरूर होती है, मुताबिक लाखों झंझट होते जो उनके वश में नहीं थे, लेकिन दफ्तर उनको बहुत प्यारा था और वो भी दफ्तर के प्यारे थे। जहां भी जाइएगा तो वहां पर अपनी छाप छोड़ दीजिएगा, हो अपना सिलेक्शन या न हो, ध्यान में रखिएगा कि ऐसा ही होता है। जो नौकरी करता है, नौकरी पेशा व्यक्ति को यह बात हमेशा अपने पल्लों में गांठ बांधते हुए ना है कि भले ही हमारा सिलेक्शन उस जगह पर हो या न हो, लेकिन ऐसा चक्कर लगाना है, मतलब ऐसी अपनी वाणी के जरिए, उन आंसर्स के जरिए जो क्वेश्चंस करता है आपको, प्रश्न करते जाते, तो आपको इस सटीकता से ऐसे सवालों का जवाब देना है, ऐसी अनोखी छाप अपने वक्तृत्व से छोड़नी है कि भले हमारा सिलेक्शन न कर पाए लेकिन उनके दिलों में हम ही राज करने चाहिए कि नहीं यार, वो लड़की थी जिसने बहुत अच्छे से आंसरिंग किया था, उसे लड़की का सिलेक्शन होना चाहिए था, हमने गलत आदमी को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा उनके दिल और दिमाग में प्रश्न उभर कर आना चाहिए। ऐसी अमिट छाप छोड़कर उस नौकरी के दौरान पहले दिन फर्स्ट इंप्रेशन इज अ बेस्ट इंप्रेशन, इसके साथ हमें अपने आप को प्रस्तुत करता आना चाहिए। यह इस कहानी की एक सीख आपके सामने देते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई चपरासी नाराज हो जाए तो रात की नींद हराम थी, मतलब वो किसी को भी नाराज नहीं करते थे। पहली चीज तो है कि वो किसी के साथ द्वेष नहीं करते थे, दूसरी चीज महत्वपूर्ण है कि वो किसी की बुराई नहीं करते थे, और भले वो किसी से नाराज हो जाए तो उनको रात भर नींद नहीं आती थी। कोई साथ वाला जोर से बात कह दे तो दिल बैठने लगता था, खुद बहुत बोलते थे। अब देखिए कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो लोग अपने काम से जलते हैं, हम बहुत सुंदर काम करते हैं, ये खास तौर पर नौकरी में, नौकरी के साथ होता है। तो जैसे कोई साथ वाला बहुत जोर से बात कह देता है, और जब हम लोग धीरे से बात करते हैं, मतलब एक साइलेंट जोन वाला होता है और क्राउडली प्लेस में रहता है, तो वो क्राउडली प्लेस में रहने वाला व्यक्ति जोर जोर से बात करता है, और जो साइलेंट जोन का व्यक्ति होता है वो बहुत ही धीमे से बात करता है, और जब वो इस प्रकार जोर से बात करता है तो साइलेंट जोन वाले व्यक्ति के डायरेक्टली हृदय पर आघात होता है, सही नहीं बात है। तो कायदा पसंद और सलीकेमंद आदमी थे और अपने को नौकरी पेशा कहने में गर्व का अनुभव करते थे। देखिएगा कि जैसे हम कहना चाहते हैं कि किसी को नाराज नहीं करते थे, और भले ही किसी चपरासी को नाराज कर दिया तो रात को सो नहीं पाते थे, कोई उनके साथ जोर से बोल देते थे तो उनके दिल में बैठने लगते थे, खुद बहुत ही धीमे बोलते थे, उन्हें कायदा पसंद था, कायदे के साथ सलीके पसंद थे, और खास तौर पर उन्होंने अपने आप को नौकरी पेशा कहने में गर्व की फीलिंग करते थे, अनुभव करते थे। कोई पूछे कहिए क्या काम करते हैं, तो बजाय यह कहने की जजी में नकल नवीस है, तहसील में पंचायत क्लर्क है, वो बड़े विनय से कहते थे जी नौकरी पेशा आदमी हूँ, और उन दिनों जिस दफ्तर में काम करते हैं उसके आरा, वहां के बाबू लोग, अफसर, जनता के जीवन में उस महकमे की अहमियत पर पूरी ईमानदारी से वे एक बड़ा बयान दे डालते हैं। उनकी उसी आदत के कारण लोग उन्हें एक व्यर्थ सम्मान की दृष्टि से देखते थे, न अच्छा कहते थे न बुरा कहते थे। इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार का कार्य हमारे बाबू का था, बाबू राधेलाल। अब चलते फिर से एक बार उन्हें उकसाने के लिए तत्पर होने वाले लाला राम भरोसे। लाला राम भरोसे ने दफ्तर की बात छेड़ दी तो फौरन यह भी ख्याल आया कि अब ये बाबू राधेलाल अपने दफ्तर के अनुभव को पचड़ा ले बैठेंगे। सो उन्होंने फौरन बात का रुख पलटते हुए कहा, भाई मैं इसलिए आया था, कल रात को नाती की खुशी में भोज है, बिरादरी में बुलावा है,
तुम थोड़ा वक्त निकालो तो मेरी मुश्किल हल हो जाए। अब देखिए कि वो क्या कहते हैं कि नाती है उनकी नातिन, तो उनकी नातिन की क्या है, तो उनकी खुशी में उन नातिन हुई तो उनकी खुशी में उन्होंने भोज दिया, मतलब भोजन दिया है, पूरे बिरादरी को बुलावा दिया है, चलो हम भी चलते खाना मिल जाएगा हम लोगों को, तुम थोड़ा वक्त निकालो तो मेरी मुश्किल हल हो जाए। हाँ पहली नाती है कि मजाक है, दिल खोल के भोज दो दद्दा, रही मेरी सो जो काम सौंप देंगे अपनी कोशिश भर ठीक कर दूंगा। बाबू राधेलाल ने जवाब दिया, तुम कल 4 बजे शाम से आ जाओ बस। अब देखिए कल 4 बजे उन्होंने बुलाया, बहुत ठीक, साहब से कहकर 1 घंटे पिस्टर आ जाऊंगा, मतलब साहब से कहलवा दूंगा, 5 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती है लेकिन मैं 4 बजे आ जाऊंगा। राम राम हुए, मतलब पुराने जमाने के लोग राम राम, गुड मॉर्निंग जिसे हम लोग कहते हैं ना, नमस्कार कहते हैं, तब उस जमाने में लोग राम राम कहते थे, अर्ली मॉर्निंग में सभी को राम राम किया जाता था, फिर वो भी एक दूसरे को राम राम करते लाला राम भरोसे निश्चिंत होकर बैठ गए। राधे लाल ने बैठक के कीवर्ड लगाए, जेब से गांधी डायरी निकाली और उस पर नोट किया, कल शाम को 4 बजे दद्दा के घर पर भोज का इंतजाम करने जाना है, 1 घंटा छुट्टी के लिए बड़े बाबू से सुबह कहना है। देखिए क्या मिलता है हमें इस कहानी से, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कामों को पहले कंप्लीट करना है। पहले तो उन्होंने क्या किया, हाँ भर दी, उसके पश्चात उन्होंने अपनी डायरी निकाली और तुरंत उस डायरी पर नोट कर लिया ताकि वो भूल ना पाए, डायरी जेब में डाली और भीतर पहुंचे तो पत्नी के कुछ कहने से पहले उन्होंने जेब से 2 कच्चे नींबू निकालकर घरौंची पर रखते हुए कहा, ये दफ्तर के बगिया के हैं। माली कहने लगा, बाबू इतना रस है इनमें, अभी के पकने पर तो मुसम्मी को बात करेंगे, वो तो 4-5 दे रहा था, हमने कहा 2 ही काफी है। अब देखिए कि पत्नी को खुश करने के लिए उनको ये भी फंडा करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो छुट्टी के दिन चले गए ना, छुट्टी के दिन जब पति घर से बाहर चला जाता है तो पत्नी कैसी नजर से उसकी ओर देखती है और कुछ खैरियत नहीं होती है ऐसे इंसान की। अब देखिए उनकी क्या खैरियत है, उनको खुश करने के लिए वो बगिया से 2 लेमन लेके आए, नींबू लेके आए और उनको कहलवा दे कि चलो ये हमारे दफ्तर की बगिया के है ताकि हमारी पत्नी खुश हो जाए। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. आगे बढ़े, क्या क्या है? Yes, ma'am. वास्तविक बात थी कि चलते चलते वो मालिक की नजर बचाकर फुर्ती से 2 ही तोड़ पाए थे, अगर आस्तीन कांटों में न फंस गई होती तो शायद 1-2 और मार लेते। पत्नी का जरा ठीक देखा, दूसरे जेब से रिबन की गिरिया निकालते हुए बोली, ये लो तुम्हारा डोरा लपेटने के काम आ जाएगी, पेंसिल रोज रोज थोड़ी धरी है, मिल जाएगी पेंसिल भी, अब ये पेंसिल को देखने का प्रयास कर रही है, और लाने की चाहे जो ले आऊ कोई चुनी करेगा, पर ऐसा अच्छा तो नहीं लगता, मतलब वो दफ्तर से पेंसिल ले आने की बात कर रही है, दफ्तर की रुसवा भर चीज भी इधर उधर नहीं होती, डाक खाने वाले भी याद करते हैं, 23 दिन उनके यहाँ नौकरी की थी, 1 पाई का फर्क नहीं पड़ा, सब अभी तक मानते हैं, पोस्ट मास्टर साहब अभी तक याद करते हैं, अपना काम चौकस रही है, चौकसी के लिए अकल आंख और वक्त की जरूरत है, आज चलते वक्त साहब कहने लगे, तुम्हारा बड़ा सहारा है राधेलाल बाबू, तुम्हारी हिम्मत थी कि इतना काम निबट गया इसलिए तुम्हें तकलीफ दी। देखिएगा कि इस वाक्य के आधार पर हम ये कह पाएंगे कि जो राधेलाल है वह राधेलाल किस प्रकार का उत्तरदायित्व कर रहा है और उसके उत्तरदायित्व में सारे लोग किस प्रकार से सम्मिलित हैं। ये छोटी बात है क्या भला, जो काम कहो साहब से हाथ पकड़ के करा लूं, एनी प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, तो जो पेंसिल की बात कर रहे हैं तो उस पेंसिल को वो वहां